लोमड़ी और सारस। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो कि स्वभाव में बहुत ही धूर्त थी। वह सदा अपने धूर्तता पूर्ण कारनामों से जंगल के लोगों को बेवकूफ बनाया करती थी। एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। उस दिन उसने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सूप बनाया। जब उसका मित्र सारस दावत खाने लोमड़ी के घर पहुंचा, लोमड़ी ने बड़ी चतुराई के साथ सूप को खाने की थाली में परोसा और वह फटाफट थाली में परोसा हुआ सूप चट कर गई। परंतु सारस बेचारा थाली में परोसा हुआ सूप बिल्कुल नहीं पी सका। उस बेचारे को सूप की सुगंध के अलावा कुछ भी ना मिला। बेचारे सारस को भूखे पेट घर वापस जाना पड़ा। सारस को ये बात समझ में आ गई कि लोमड़ी ने यह उसके साथ जानबूझकर किया है। उसने अपने मित्र लोमड़ी को सीख सिखाने की सोची और फटाफट उसने लोमड़ी को भी अपने घर पर खाने की दावत दे डाली। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर रात का भोजन करने के लिए समय पर पहुंच गई। आज सारस ने लोमड़ी के लिए अति स्वादिष्ट सूप बनाकर लंबी गर्दन वाले बर्तन में पीने के लिए मेज पर सजा दिया। आज सारस सुराहीदार बर्तन में सूप अच्छी तरह से पी रहा था और बेचारी लोमड़ी को आज खाली सूप की खुशबू सूंघकर अपना पेट भरना पड़ा। अब लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये उसकी करने का ही फल है। सारांश, जैसे को तैसा।